वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। आज से हम इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रामर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस को समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यह है, When a condition is expressed for the happening or not happening of another situation, we say it is a conditional sentence. इसमें एक condition होती है, condition is expressed, एक condition दी होती है जो दूसरी जो चीज होती है, दूसरा जो भी काम होता है उसके होने और नहीं होने को इफेक्ट करता है। तो इसमें जो आप इसको ध्यान से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, When a condition is expressed For the happening or not happening of another situation, जो दूसरी situation है उसके होने और नहीं होने को condition express करती है। जैसे मैं एक example आपको सबसे पहले लेके बताता हूँ, एक conditional sentence क्या हो सकता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की economy पर काम करता, अच्छा काम करता। या फिर दूसरे तरीके से हम कहते कि अगर मैं पंछी होता तो गगन की ऊंचाइयों को नाप लेता। ये इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। आगे हम इनको अच्छे से देखेंगे, और भी सेंटेंस हो सकते हैं, अगर मैं अच्छी मेहनत करता तो अच्छे अंकों से पास होता। ये सभी प्रकार के ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें एक कंडीशन दी हुई है और दूसरा इसका मेन पार्ट है। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कंडीशन हुई, और जो दूसरा पार्ट है मैं देश के गरीबों के लिए काम करता, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें यही हम देखेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से बारी बारी से एक एक पर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक कंडीशन होती है जो दूसरी सिचुएशन के होने और नहीं होने को एक्सप्रेस करती है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है ओपन कंडीशन, दूसरा है इम्प्रोबेबल कंडीशन, तीसरा है इमेजिनरी कंडीशन, और चौथा है अनफुलफिल्ड कंडीशन। हम धीरे धीरे इन चारों पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम ओपन कंडीशन को देखते हैं, इनको मैं यहां से रब करता हूं। इसके बाद हम सबसे पहले इसको ओपन कंडीशन वाले को देखते हैं, इसके बाद में हम अगले को देखेंगे। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें एक तो पार्ट होता है कंडीशनल पार्ट, दूसरा पार्ट होता है मेन पार्ट। एक सेंटेंस में लिखता हूं, इफ आई वर्क हार्ड आई विल, आई के साथ शेल भी आता है और विल भी आता है। आज जो इंग्लिश है उसमें अब आई के साथ ये विल भी अब आने लगा है और शेल भी आता है। आई विल शेल गुड मार्क्स, इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क या फिर स्टडी हार्ड, इफ आई स्टडी हार्ड या स्टडी हार्ड या वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड आई विल सेल या फिर सेल हो सकता है, आई शेल पास विथ द गुड मार्क्स, विथ गुड मार्क्स द नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो डिग्री होती है सुपरलेटिव वहां पर द आता है, विथ गुड मार्क्स। यहां पर हम ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कंडीशनल है, कंडीशनल पार्ट है, और जो ये बचा ये मेन पार्ट है।
जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उसमें से एक पार्ट कंडीशनल होता है और दूसरा मेन पार्ट होता है, तो इसके होने पर यह निर्भर करता है। यहां पर मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, व्हेन कंडीशन इज एक्सपीरियंस फॉर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनदर सिचुएशन, एक कंडीशन एक्सप्रेस की जाती है दूसरी जो सिचुएशन है उसके होने और नहीं होने के लिए। तो इफ आई वर्क हार्ड आई शेल पास विथ गुड मार्क्स, ये कंडीशनल यहां पर कंडीशनल है और ये दूसरा है मेन पार्ट। दो पार्ट होते हैं, एक कंडीशनल पार्ट होता है और दूसरा मेन पार्ट होता है। अब इसको ये समझेंगे कि इसके होने पर ये निर्भर करता है। इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडीशनल। अब ओपन कंडीशन हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसमें होता है जो कंडीशनल पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है कंडीशनल, या जो इफ होता है उसके बाद में जो दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या सब्जेक्ट के बाद में विल सेल कैन में इस तरीके से होगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। जो इफ वाला कंडीशनल पार्ट है उसमें तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो ये पार्ट है मेन पार्ट है इसमें होता है, इसमें या तो यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर सिंपल का, और या फिर यूज होता है मॉडल का। मॉडल भी इस तरीके के होते हैं जो यहाँ पर, या तो कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, लेकिन वुड और शुड नहीं होगा क्योंकि ये इसके विल और शेल के पास्ट फॉर्म होती है ये, तो इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे। यहां पर जो इस विल और शेल यूज होगा, कैन और मे यूज होगा, इनको नहीं करेंगे, ये विल और शेल की पास्ट फॉर्म होती है। यहां पर इस तरीके से ये मेन पार्ट हुआ और ये कंडीशनल पार्ट हुआ और ये मेन पार्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बात अपने को और भी ध्यान से देखनी होगी कि ये एक जनरल स्ट्रक्चर है कि यहां पर प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज होगा और यहां पर या फ्यूचर इनडेफिनेट का यूज होगा या फिर किसी मॉडल का यूज होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि जब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है तो उसमें इफ एम आर एक स्ट्रक्चर ये होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट का, यहां पर हेल्पिंग, यहां पर मेन वर्ब नहीं होगी तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब अलोन। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहां इफ तो दोनों का आगे लगना ही लगना है कंडीशनल वाले में, वो पार्ट में वहां पर लिख दिया है, वो बता दिया है, और इसके बाद में इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म में, और दूसरा पार्ट होता है पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में हम यहां सब्जेक्ट होता है यहां इज एम ये जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब उसमें होगा प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम ये मेन जो पार्ट होता है इसको भी पैसिव वॉइस में हम बना सकते हैं।
पेशी वोइस में हम इनको इसको भी पेशी वोइस में बनाकर हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है, हमें प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज करना है और इधर फ्यूचर इनडेफिनेट का यूज करना है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो कंडीशनल वाला पार्ट है उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल और जो मेन पार्ट है उसमें फ्यूचर इनडेफिनेट फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। अब मैं इसके जो कुछ सेंटेंस है वो बना के आपको बताता हूं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने अभी लिया था उसको दोबारा लिखते हैं। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास विद गुड मार्क्स। एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा मैं लिखता हूं, इफ शी कम्स टू माय होम वी शेयर गो टू सिनेमा। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं, आई विल हेल्प हिम डेफिनेटली इन केस आई गेट ये जो तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसको ध्यान से समझते हैं एक एक करके, फिर आप इनको आप भी खुद सेंटेंस बना बना के चेक करें। पहला वाला सेंटेंस मैंने ये लिखा है, इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूं बहुत मेहनत करता हूं तो आई विल पास विद गुड मार्क्स, मैं अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होऊंगा। ये पहला सेंटेंस है, ये कंडीशनल वाला पार्ट हुआ। इसके बाद में ये मेन पार्ट है। आप यहां देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें जो कंडीशनल वाला पार्ट है इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है, और जो मेन पार्ट है यहाँ मेन पार्ट उसमें मैंने फ्यूचर इनडेफिनेट फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया है। ऐसा जब ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस होंगे तो उसमें ये दो ही टेंस यूज होंगे। पहला वाला जो इफ पहला वाला इसको कह नहीं सकते, इसको कंडीशनल ही बोलेंगे, क्योंकि जो तीसरा सेंटेंस मैंने लिया है इसमें कंडीशनल को मैंने बाद में लिया है, ये वाला यहाँ पर कंडीशनल है, तो इसको पहला दूसरा नहीं कहेंगे, इसको कंडीशनल और मेन पार्ट ही कहेंगे। तो मेन पार्ट को हम जब मेन जो कंडीशनल वाला पार्ट होगा वो तो होगा प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन पार्ट होगा वो है फ्यूचर सिंपल में। दूसरा जो सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पर भी सिंपल, ये देख सकते हो आप ये कंडीशनल वाला है, तो यहाँ पर फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है और जो मेन पार्ट है वो फ्यूचर का हमने यूज किया है। दूसरा इसको देखते हैं, इफ शी कम्स टू होम माय होम, अगर वो मेरे घर आती है तो हम मूवी देखने जाएंगे सिनेमा जाएंगे, ये वाला हम इसको अच्छे से समझे। इफ शी कम्स टू माय होम
वी शैल गो टू सिनेमा, अगर वो मेरे घर आती है तो हम सिनेमा देखने जाएंगे, हम सिनेमा जाएंगे। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई विल हेल्प हिम डेफिनेटली इन केस आई गेट इन्फॉर्मेशन। मैं उसकी निश्चित ही सहायता करूंगा अगर मुझे कोई सूचना मिलती है। यहां पर आप देखें कि ये वाला मेन पार्ट है, आगे इसको मैंने चेंज कर दिया, ये वाला कंडीशनल था, कंडीशनल पार्ट। और ये वाला यहां पर मेन पार्ट है। अगली बार ये मैंने इस बार चेंज कर दिया, ये वाला कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे हुआ ये याद रखना आप, यहां पर जो ये लगते हैं ना, ये इन केस, ई प्रोवाइडेड डेट, इस प्रकार के जो वर्ड लगेंगे वो जो कंडीशन दिखाते हैं। यदि मैं ये यहाँ ये, इफ का मतलब क्या, यदि मैं ऐसे करता, यदि मैं, अगर मैं ये होता, तो ये वाला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल होता है। आपको इतना ही याद रखना है, इसके बाद आप खुद जज करने लग जाओगे इनको। और ये वाला इधर मेन पार्ट है। तो आपको ये बात याद रखने की, ओपन जो कंडीशन होती है उसमें हमारे पास जो कंडीशनल वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में होता है, और जो अपने पास जो मेन पार्ट होता है वो फ्यूचर इनडेफिनेट में होता है। इस तरीके के जो सारे सेंटेंस है, और भी सेंटेंस आप बना सकते हो ऐसे इनमें, और उनको अच्छे से आप समझ सकते हो। और जो सेंटेंस है जैसे, अगर मैं थोड़ा और काम करता तो मुझे और पैसे मिलते, इस तरीके से। अगर ओवर टाइम करता, जैसे एक सेंटेंस में और बना के आपको दिखाता हूं, इफ शी वर्क्स ओवर टाइम, अगर वो ओवर टाइम काम करती है तो शी विल गेट एक्स्ट्रा मनी या सैलरी, इसको ऐसे, अगर वो ओवर टाइम काम करती है, मतलब उसका जो टाइमिंग है फिक्स वाला फाउंडेशन, उसके अलावा वो काम करती है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरीके से आप खुद भी ट्राई करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हुआ और ये फ्यूचर इंडेफिनेट में हुआ। इसी तरीके से मैं इनको जो, आप सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझे अच्छे से, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होता है और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। आप इसको, स्ट्रक्चर को पहले कुछ समझे। और जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब ये स्पॉटिंग एरर होता है जिसमें हमें एरर फाइंडिंग होती है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है ये। इसके बाद में मैं अगले वाले जो तीन पार्ट है उनको भी एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसको समझे, इसके बाद में मैं अगले पार्ट को समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ। स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से आपको बताऊंगा सामने कि ये होता है इसमें यूज, इसमें ये टेंस होता है और इसमें ये टेंस होता है। इसके बाद में अगले वाले को भी अच्छे से मैं समझाऊंगा। ये जो पार्ट है इसके लिए अभी इतना ही, इसके बाद में हम अगला वाला पार्ट लेके आएंगे, उसको देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।